वेलकम फ्रेंड्स टू द नी कैमरा डॉट कॉम चैनल और आज हम बात करने वाले हैं सोनी के बेस्ट लेंसेज के बारे में। ये जो गाइड है ये APS-C मिररलेस कैमरा और फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा दोनों को कवर करेगी और बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैं आपको नई लेंस की रिकमेंडेशन दूंगा। तो ऑफकोर्स पूरी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखो और कहीं ना कहीं मैं टाइम कोड्स लगा दूंगा, वीडियो चैप्टर आप चेक कर लेना। तो अगर आपको फुल फ्रेम लेंसेज की ही बातें सुननी है देन यू कैन जंप टू दैट सेक्शन बाई लुकिंग एट द टाइम कोड्स। बट हाँ, जो इंटायर वीडियो है काफ़ी रिच है, काफ़ी डिटेल्स के साथ है और कहीं ना कहीं काफ़ी शॉर्ट में इसे मैंने कंपोज करने की कोशिश करी है। यहाँ पर मैं वेडिंग फोटोग्राफर, इवेंट शूटर, जनरल पर्पज़ फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट फैशन फोटोग्राफी और कहीं ना कहीं जिस भी फील्ड से आप कनेक्टेड हो, मैं ऑल इन वन लेंस की रिकमेंडेशन देने की कोशिश करूँगा। खासकर यूट्यूबर्स और वीडियोग्राफर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सो नाउ लेट्स जंप इनटू द कंटेंट ऑफ द वीडियो। बट बिफोर दैट एज यूजुअल, अगर आप नए हो हमारे चैनल में, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड ऑफकोर्स ये वीडियो कहीं ना कहीं अच्छा लगे आपको तो लाइक करना मत भूल जाना। सबसे पहले बात करते हैं APS-C मिररलेस सिस्टम कैमरों की और यहाँ पर अगर आपको हैंड हेल्ड ब्लॉग्स बनाने हैं मेरे दोस्त, अगर आपको अपने कैमरे को अपने हाथों से पकड़ना है देन यू शुड बाय द 16mm f/1.4 लेंस। दिस अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस फीचर्स f/1.4 मैक्स अपर्चर, बहुत ही उम्दा लेंस है, काफ़ी वाइड कवर करेगी और आपके जैसे आपको पता है A6400 कैमरा A6400 कैमरा में IS नहीं है, तो इस वाइड कवरेज के साथ अगर आप पोस्ट प्रोसेसिंग में भी इमेज स्टेबलाइजेशन अप्लाई करते हो तो बहुत ज़्यादा कट नहीं होगा और कहीं ना कहीं आपकी कंपोजिशन भी बच जाएगी आपके एनवायरनमेंट के साथ। तो मेरे दोस्त इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की, कहीं ना कहीं अगर आपको IS की ज़रूरत पड़े तो वो भी इम्प्लीमेंट कर दो। 1.4 अपर्चर है तो नाइट में भी बहुत उम्दा तरीके से शूट कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, प्लस 1.4 अपर्चर है तो बैकग्राउंड ब्लर भी आपके हिसाब से बहुत ही क्रीमी और मक्खन टाइप जनरेट होगी। ये हैंड हेल्ड ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेंस है और किसी ने आपको बताया नहीं होगा तो मैं बता रहा हूँ, जाके ले लो। या आप सोच रहे हो कि मुझे परचेस करनी है, आपको एक कैमरा परचेस करना है और आपको हैंड हेल्ड वीडियोज बनाने हैं, दिस इज द बेस्ट लेंस फॉर यू। नाउ वन मोर थिंग, अगर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की ज़रूरत है आर्किटेक्चर फोटोग्राफी करनी है देन ऑल्सो द 16mm f/1.4 इज़ रियली यूजबल, स्पेसिफिकली उनके लिए भी जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, इंटीरियर आर्किटेक्चर्स को अपने कैमरे के अंदर बखूबी उतारना चाहते हैं, द f/1.4 अपर्चर एंड द 16mm रेंज इज़ बेस्ट फॉर देम। नाउ मूविंग ऑन, अब हम बातें करते हैं 30mm की लेंस की और ये जो 30mm की f/1.4 की सिग्मा लेंस है ये कहाँ आपको यूज़ करनी है। सबसे पहले तो ऑफिस और रूम ब्लॉग्स के लिए, अगर आप बैठ के चेयर पे जिस तरह से मैं भी वीडियोज़ बना रहा हूँ उस तरह की आपको वीडियोज़ बनानी है देन यू शुड बाय द 30mm f/1.4 लेंस। काफ़ी अच्छी आपके एक प्रोपोर्शन में आपकी बॉडी को और आपके एनवायरनमेंट को ये लेगी अपने कैमरे के अंदर और f/1.4 अपर्चर है, डेप्थ भी जनरेट कर सकते हो, नाइट में भी शूट कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट लेंस। 56mm लेंस की इसलिए मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ ऑफिस और रूम वीडियोस के लिए क्योंकि सिर्फ चेहरा आएगा उसमें आपका और काफ़ी टाइट क्रॉप फ्रेमिंग रहेगा, लगेगा जो भी है हमारा होस्ट वो हम पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। सो 56mm के साथ क्रॉपिंग काफ़ी टाइट हो जाएगी। विद 56mm लेंस यू नीड अ हॉल और यू नीड अ आउटडोर लोकेशन, यानी कि आपको काफ़ी अच्छी डिस्टेंस चाहिए अपने कैमरे के साथ जब आप 56mm लेंस यूज़ कर रहे हो अपने कैमरे में। अदर यूजेस ऑफ द 30mm f/1.4 सिग्मा लेंस, स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए बहुत ही मस्त लेंस है, एकदम परफेक्ट क्लासिक आपकी फोकल लेंथ है 30mm की, 35mm यूज़ होती है, 30mm भी आपकी चलेगी और 1.4 अपर्चर है मेरे दोस्त, यानी कि आप अपना अपर्चर वैल्यू तो अपने मन से सेट करो बट 1.4 ये आपको अलाउ कर रहा है कि आप जा सको मैक्स अपर्चर पे। सो इवन फॉर लैंडस्केप फोटोग्राफी, जनरल पर्पज़ फोटोग्राफी, इवन आपको रूम में अपने दोस्तों के पोर्ट्रेट्स लेने, अपने बच्चों के फैमिली मेम्बर्स के पोर्ट्रेट्स लेने हैं, 30mm f/1.4 इज़ द हाईली यूजेबल लेंस। उस समय जब आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के पोर्ट्रेट्स लेने हैं, ऑफिस और रूम्स में काफ़ी अच्छे बर्थडे शॉट्स लेने हैं, तब आप 56mm लेंस मत लेना। 56mm लेंस और 50mm लेंस और 85mm लेंसेस आर ओनली रिकमेंडेड फॉर प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स जो काफ़ी अच्छे डिस्टेंस के साथ अपने मॉडल को वर्क में लेते हैं। ये नहीं कि आपको अपने घर में शूट करना है या अपने दोस्तों के कुछ पोर्ट्रेट्स निकालने, उनके रूम में अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट्स निकालने, तब 30mm लेंस के साथ काम करो।
ना अब हम बातें करते हैं 56mm f1.4 लेंस की। जैसे मैंने इस लेंस के बारे में आपको ऑलरेडी काफ़ी बातें बता दी हैं, अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी आपको करनी है, आपको वेडिंग और इवेंट में कैंडिड शूट करने हैं, अपने दोस्तों के काफ़ी अच्छे मॉडल्स टाइप पोर्ट्रेट्स निकालने हैं अपने कैमरे में, देन दिस इज़ द लेंस मेड फॉर यू। वर्किंग डिस्टेंस अच्छी होनी चाहिए इस लेंस के साथ, ये बहुत ही बहुत ज़रूरी है, मैं हर बार मेंशन कर रहा हूँ, यानी कि आप एक अच्छे हॉल में आउटडोर लोकेशन में इसके साथ काम करोगे तो काफ़ी अच्छी और प्रॉपर आउटपुट आपको मिलने वाले इस लेंस के साथ। नाउ द 56mm f1.4 लेंस इज रिकमेंडेड फॉर द APS-C मिररलेस सिस्टम कैमराज। अब हम कुछ एक और रिकमेंडेशन आपको दे दें, उसके बाद हम APS-C मिररलेस सेगमेंट की रैप अप करेंगे। टैमरॉन ने, इस बात को ध्यान से सुनो, टैमरॉन ने रिसेंटली अनाउंस कर दी है 70-70mm की लेंस, इसकी रेंज काफ़ी यूजबल है, 135 तक तो जा नहीं रही बट 70mm की जो लेंस रहती काफ़ी यूजबल रहती, एंड द वाइड इज 17mm, सो दिस इज़ अ हाईली यूजबल फोकल लेंथ। और अगर हो सके, अगर आपका बजट अलाउ करे तो ये ऑल इन वन लेंस ज़रूर आप खरीदो, वीडियोग्राफी के लिए भी काफ़ी अच्छी कॉन्स्टेंट अपर्चर आपको मिल रही है और साथ ही साथ आपको काफ़ी इम्प्रूव्ड क्वालिटी की ऑप्टिक्स इस लेंस के अंदर मिलने वाली है। सो दिस f2.8 लेंस इज रिकमेंडेड फॉर फोटोग्राफर्स ऑल्सो एंड वीडियोग्राफर्स ऑल्सो। तब फिर आप टैमरॉन के 17-70mm f2.8 लेंस के साथ जाओ या फिर प्राइम लेंसेस के साथ काम करो। सो आपको बहुत ही बहुत क्लियर हो रहा होगा मेरे हिसाब से कि भाई अगर हमें थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स लेने हैं, अच्छे अच्छे शॉट्स या फोटोग्राफी भी करनी है, दोनों काम करने हैं, देन आइदर हमें प्राइम लेंसेस लेने हैं जितने मैंने आपको बताए, या टैमरॉन की 17-70mm की f2.8 लेंस लेनी है। वीडियो ना, चलिए अब हम बातें कर लेते हैं फुल फ्रेम मिररलेस सिस्टम कैमरों की। हमने APS-C मिररलेस कैमरों की रिकमेंडेशन आपको बता दी, अब हम बात करते हैं कि बेस्ट ऑफ बेस्ट लेंसेस कौन सी हैं जो बजट में अवेलेबल हैं। ये नहीं कि भैया अगर आपका बजट में कोई इश्यू नहीं है, भाई मेरे पास बजट अनलिमिटेड है, आप बेस्ट ऑफ बेस्ट लेंसेस बताओ, तो आप सीधे जाओ और 24-70mm की जी मास्टर लेंस खरीद लो, या कोई भी जी मास्टर लेंसेस आप आराम से ले लो। जी मास्टर लेंसेस आर नोन फॉर शार्पनेस, और कहीं ना कहीं आपको A7R सीरीज़ कैमरे में इंटरेस्ट है, यानी कि आपकी जो रेजोल्यूशन है ये 40MP प्लस के आप कैमरे पर जा रहे हो, तब मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि उस समय आप जी मास्टर लेंसेस पर ही भरोसा करो तो सबसे बेस्ट रहेगी आपके लिए, या सिग्मा की 8 लेंसेस पर, क्योंकि 40MP के ऊपर जहां आप चले जाते हो तब लेंसेस की रिजॉल्विंग पावर बहुत बहुत उम्दा होनी चाहिए, और उस समय बजट बचाने से कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, अगर आप A7II, A7III, A7S कैमरा यूज़ कर रहे हो, इन सारे कैमरों के लिए टैमरॉन की RXT लेंसेस जो हैं बहुत बहुत अच्छी हैं, बजट में अवेलेबल हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आपको एक जनरल पर्पस लेंस चाहिए फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी के लिए, यू शुड गो विद द टैमरॉन 28-75mm f/2.8 RXT लेंस, बहुत ही बहुत उम्दा लेंस है ये। सेकंड मेरी रिकमेंडेशन आपको रहेगी कि अल्ट्रा वाइड एंगल्स पर आपको काम करने हैं, ऑफिस और रूम में वीडियोस बनाने हैं, मान लो आपने A7C कैमरा परचेस कर लिया, तब आपको 17-28mm की f/2.8 RXD लेंस लेनी है। 17-28mm की RXD लेंस बहुत उम्दा लेंस है, और ऑफिस और रूम वीडियोस के लिए जहां पर आप थोड़ा सा कम स्पेस पे काम करते हो, दिस इज़ द बेस्ट लेंस मेड फॉर यू। नाउ फाइनली, अगर आपको एक अच्छी टेलीफोटो लेंस चाहिए जिससे आप कहीं ना कहीं पोर्ट्रेट्स भी कुछ एक अच्छी निकाल सको, देन द 75-180mm f/2.8 टैमरॉन लेंस इज बेस्ट फॉर यू। ये थोड़ी बहुत आपको अच्छी टेलीफोटो शॉट्स भी दे देगी, अगर आपको वाइल्ड लाइफ नेचर फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तब भी आप ये लेंस के साथ जुड़ सकते हो, और कहीं ना कहीं अगर आपको वेडिंग और इवेंट में कुछ एक अच्छी सिनेमैटिक कैंडिड इमेजेस लेनी है, देन ऑल्सो दिस लेंस कैन बी यूज्ड। अदरवाइज फुल फ्रेम कैमरे के साथ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 50mm की f/1.8 की सोनी की लेंस लो, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं, रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है, अच्छी आउटपुट देती है। तो मैंने जैसे आपको रिकमेंड करा कि टैमरॉन की आप कोई भी RXD लेंसेस को पिकअप कर लो, सारी लेंसेस काफ़ी उम्दा हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप A7R सीरीज़ से जुड़े हुए हो तो आप प्रीमियम लेंसेस में इन्वेस्ट करो। A7S जो कैमरा है उसकी भी रेजोल्यूशन लो है, 12MP की है, A7III की भी लो है, 24MP की है, आने वाला A7
फोर कैमरा जो रहेगा आइदर 24 या 20 एमपी के साथ आएगा, तो उनके लिए भी आपकी टैमरॉन की आरएचडी लेंसेज बखूबी चलेंगी, प्रॉपर रिजॉल्विंग पावर है। बट आफ्टर 40 एमपी यू शुड इन्वेस्ट इन जी मास्टर लेंसेज। ये थी मेरी रिकमेंडेशन। बजट फोटोग्राफी अगर आपको करनी है और कहीं ना कहीं कुछ एक उम्दा लेंसेस आपको परचेस करनी है सोनी की, तब आप इनमें से कोई भी लेंसेस बेझिझक परचेस कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स डाल दूंगा। कोई भी कन्फ्यूजन है डिस्क्रिप्शन देखो, आराम से कन्फ्यूजन क्लियर होगी। उसके बावजूद कन्फ्यूजन रह जाती है, यू हैव द कमेंट सेक्शन, आराम से मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूल जाना। नए हो अभी तक जुड़े हुए इस वीडियो से, सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स लाइव न्यूज एंड रूमर्स।